नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीके ब्लॉग्स पे। भाई एक और ख़तरनाक लोकेशन आपके लिए लेकर आए हैं, बहुत शानदार। सौरभ पुनिया एक्सप्लोर कर रहे हैं, अब हम भी एक्सप्लोर करते हैं इसको। सौरभ पुनिया ने हॉन्टेड सीरीज़ में पूरी रेल बांध दी है, एक से एक लोकेशन ढूंढ के हमारे लिए हरियाणा के जंगलों में बढ़िया बढ़िया लोकेशन ढूंढ ढूंढ के। तो भाई दिखाते हैं, आ जाओ अंदर से। ये है हमारी लोकेशन। वाओ वाओ मैन वाओ, देख रहे हो, ये पूरी छत गिरने के चांसेस हैं, ये छत गिरने के चांसेस हैं पूरे पूरे। देखो ना, गिर रहा है ये गिरा है, देखो ये। अब रात को ये गिरेगा तो ये हमारी हॉन्टेड एक्टिविटी को सपोर्ट कर देगा, पैनोरमल एक्टिविटी को, ठीक है ना। होगा भाई, जिस कुछ ना कुछ सीन तो ऐसे ही होगा। तो भाई ओ भाई क्या है ये, कितना बिछा हुआ सा है बिल्कुल। ये तो गेट गेट खोलो। अच्छा ये भी रूम है? हाँ, ये किचन है, है? ये किचन है, किचन है और ये एक रूम है। यार कोई रहा होगा, कैसे रहा होगा, छोटे से एकदम। नहीं नहीं रूम तो ठीक है, दिल्ली के रूम से तो अच्छा ही है, अलमीरा है, सब कुछ है, सामने किचन है, आगे वॉशरूम भी होगा। मतलब लोकेशन शानदार है भाई, हवादार कमरा है भाई पूरा, उस साइड भी कमरा है ना, सेम है। इधर रूम होगा, इधर वॉशरूम होगा। हाँ वॉशरूम, ये वॉशरूम है देखो, और ये एक रूम है। बेसमेंट भी होगा इसमें क्या? बेसमेंट का दिखा दो मुझे भी भाई। एक से एक लोकेशन है भाई, एक से एक लोकेशन। मतलब मेरा हरियाणा का ट्रिप जो है ना, वाकई में बढ़िया रहा। और देख सकते हो भाई ऊपर कैसा बना हुआ है, पूरा रोशनदान टाइप का, पूरा हवादार टाइप का बनाया हुआ है। और ये बैक साइड है ना इसकी, नहीं फ्रंट तो वही है, वही है। ये भी बड़ा गेट है, ये बैक साइड है, फ्रंट वो है, क्योंकि फ्रंट में उसमें हॉल बना ना भाई। अच्छा हॉल से एंट्री होगी ना, कमरे तो अंदर होंगे, ये बैक साइड है, ये पेड़ है इधर। लेकिन ये पेड़ कहानियाँ बोल रहा है, ये पेड़ सच में पेड़ बोल रहा है भाई। देखो इसकी कहानी पता कर दो, कहानी क्या है, कहानी पूछता हूँ, तुम तो जानते हो लोकलों को, हैं? तो भाई कहानी पूछेंगे और शूट करेंगे इस लोकेशन को, क्योंकि भाई अपने आप में मस्त लोकेशन लगी मुझको। और ज़्यादा इन्वेस्टिगेट तो नहीं होगी यहाँ पे, बनेगा ज़्यादा बड़ा व्लॉग नहीं बनेगा, छोटा ही बनेगा भाई। वही बात है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका हो जाता है कई बार भाई। रामनगर में लाल घर था एक, वहाँ पे एक छोटा सा कमरा था, इतना ही कमरा था बस, वो फुल ऑफ एक्टिविटी। बताओ छोटा सा कमरा बस, ये तो 2 BHK है, तो फिर भी 2 BHK है। एक हॉल, एक कमरा ये है, एक कमरा ये है, किचन ये है और टॉयलेट बाथरूम इधर है। मतलब ये गेस्ट हाउस टाइप का है शायद, ये है ना, कुछ गेस्ट हाउस टाइप का रहा होगा कि कोई गेस्ट आए तो एक कमरा ये, एक कमरा ये। नहीं कमरे छोटे छोटे से हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, हैं? गेस्ट हाउस नहीं लग रहा मुझे, मेरे को तो गेस्ट हाउस टाइप का लगा। यहाँ बंदे मतलब जो है डाइनिंग वाइनिंग करते होंगे, कोई आया डाइनिंग वाइनिंग यहाँ करेंगे, किचन में खाना बनता होगा, एक वॉशरूम ये होगा और दो कमरे सेपरेट दे रखे हैं, और पूरा ये लग रहा है मेरे को तो। जंगल और सामने पूरा जंगल देखो भाई, सामने पूरा जंगल है। और लोकेशन थंबनेल देख लो कितना मस्त आ रहा है इसका, गजब का थंबनेल आ रहा है। मतलब ऐसे शूट करूँ तो कितना मस्त लग रहा है ये, देखो आपके सामने है लोकेशन और सब कुछ एक्सप्लोर तो कर ही दिया, और जंगल है भैया आसपास पूरा। मेरे को लगता है जंगल भी एक्टिविटी से फुल होगा, ये रात को यही कुछ चिल्लाएगा जंगल, है ना। तो भाई व्लॉग तो पूरा बना दिया है, जंगल आपको दिखा रहा हूँ मैं पूरा पूरा। लेपर्ड का खतरा बोलते हैं, अब है नहीं है वो तो भगवान जाने, यहीं से निकलते हैं फिर हम लोग, हैं? लेपर्ड भी हो गया यार इधर, पूरी दिखा देता हूँ बाहर से, पूरी पूरी एरिया को दिखा देते हैं एक बार बाहर से भी। ये देखो हवादार कमरे हैं भाई, देखो ना वॉशरूम के लिए भी खिड़की है सामने। क्या करें, व्लॉग को एंड करते हैं, जंगल ये सामने और कुछ नहीं है। और आपको सब सारे सारे पार्ट दिखा दिए मैंने, ब्लॉग को सपोर्ट करो, चैनल को सपोर्ट करो, मिलेंगे आपको ऐसी लोकेशनें तभी मिलेंगी, ये सपोर्ट के बिना ही हम आए हैं, है ना। बिना सपोर्ट के कब तक काम करेंगे भाई, करेंगे भाई, पैसे नहीं पूरा करेंगे और क्या करेंगे।
जब तक पैशन है तब तक पूरा करेंगे, बुढ़े हो जाएंगे फिर पैशन खत्म हो जाएगा, या तो ऐसा होगा। नहीं वैसे तो पैशन ही रहेगा, क्या दिक्कत है। नहीं बुढ़े हो जाएंगे जिम्मेदारियों में, जैसे कि अब तुम्हारा एक बेबी हो चुका है, तुम संभाल लो कुछ टाइम पे, जिम्मेदारियों में घुस जाओगे फिर तुम नहीं निकाल पाओगे टाइम। अभी भी निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है, अभी बहुत मुश्किल से आए हो। इसके लिए टाइम निकाल लेंगे, लेकिन जितना अपना टाइम बनता है, लेकिन हम किसी के उससे खिंच के मतलब डाउन हो के कभी चैनल बंद करने वाले नहीं हैं, हम अपना पैशन पूरा करते रहेंगे, ठीक है। और आपके लिए इन्वेस्टिगेशन वीडियो आते रहेंगे। पैसा नहीं तो पैशन सही, पैसा नहीं तो पैशन सही, पैशन नहीं तो स्प्लेंडर सही, ठीक है। तो भाई मिलते हैं आपके नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।